इस वक्त हमारे साथ सेकंड मैच की दूसरी टीम है अंजना पैंथर, जो कि अब बैटिंग है उनकी, पहले फील्डिंग बैटिंग आई है इनकी। इनसे पूछेंगे कि किस तरीके का इनका एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ इनके कैप्टन जो हैं वो ओपनिंग करेंगे, पैडअप कर लिया है। क्या नाम है आपका? हितेश। कहाँ से आए? पटेल नगर। हितेश, कैसा लग रहा है, क्या प्लानिंग है, कैसे खेलेंगे बैटिंग, आप ओपनिंग करने जा रहे हैं? मैं अभी तो नीचे खेलूँगा, फिर बाद में एक्टिंग करने की सोचूँगा। क्या स्ट्रेटजी है एज ए कैप्टन टीम को, किस तरीके से बता रहे हैं कि फर्स्ट बैटिंग है तो कितना स्कोर करने का सोचें? 170 प्लस। और सामने वाली टीम में क्या लग रहा है, कैसी बॉलिंग लेके चल रही है? उनकी भी अच्छी बॉलिंग होगी, सभी अच्छे बॉलर हैं। और भी बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? पटेल नगर। पटेल नगर से। क्या लग रहा है कि इतनी हवा है, तेज बॉल स्विंग होगी, बैटिंग में कितनी दिक्कत है? सर बैट्समैन भाई है सर, आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर। HDBL खेल रहे हैं आप लोग, क्या प्लानिंग है, कैसे क्या खेलना है? इस टीम के कोच भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कोच साहब, क्या लग रहा है कि लड़के रेडी हैं आपके? बच्चों ने मेहनत अच्छी की है और 100% ही देंगे, और आप भी साथ हो हमारे, हम भी आपके साथ हैं। आपको जब आप उनको देखोगे, बच्चों को जो मेहनत करी है वो आपके सामने आएगी, और अच्छी सामने वाली टीम भी अच्छी है, लेकिन है कि अच्छा करेंगे बच्चे। क्या लगता है कि बच्चों को एक जो कोच की भूमिका होती है कि भाई जो ग्राउंड पे सीखा तो सीखा, लेकिन जब रियलिटी में मैच खेलते तो बहुत चेंजेस होते हैं लाइफ में? चेंजिंग ये होता है, जो तुमने हार्डवर्क किया उससे थोड़ा अलग हो जाता है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की जरूरत हो जाती है, और जो तुम नेट पे खेलते हो वो खुला मिजाज हो जाता है। यहाँ थोड़ा सोच के खेलना पड़ेगा, भैया हमें यहाँ रन करने हैं, बहुत सारी चीज़ें समझनी है, हर चीज़ें सोच कर, मैच का मतलब ही एक सोच है, तो सोच के ही सारा काम करना होगा। बिल्कुल। HDBL आप लोग खेल रहे हैं, क्या माइंड सेट रखे हुए हैं, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं? ये माइंड सेट तो कुछ नहीं, हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ये कोशिश है कि अगर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आगे हमारे लिए और रास्ते में। तीन मैच खेल रहे हैं पूरी लीग में,